नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे बीएड, सीटीटी और टीटी से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बीएड से रिलेटेड, बीएड के जितने भी कोर्स हैं, बीएड के जितने भी पेपर हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा पेपर वन से रिलेटेड, जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से है, उसका नाम है पेपर का। और इस पेपर में हम जानेंगे कि समाजीकरण एक बहुत बड़ी टॉपिक है। समाजीकरण होता क्या है, सोशलाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशलाइजेशन, उसका परिभाषा क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इस के वीडियो के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे और साथ में समझेंगे इसकी जो परिभाषा अर्थ को भी समझेंगे और इसको जो है कि प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सहायक कारक है, समाजीकरण के जो सहायक कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, इसको भी समझेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका समाजीकरण का परिभाषा एवं अर्थ क्या होता है। तो लिखा गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज समस्त परंपराओं, मान्यताओं एवं आदर्शों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। उसे एक सदस्य के रूप में समाज में मान्यता मिलती है। ये था आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन। लिख करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज समस्त परंपराओं, मान्यताओं एवं आदर्शों का अनुसार व्यवहार करना सीखता है एवं उसे के रूप में जो सदस्य के रूप में समाज में मान्यताएं मिलती है। तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। उसी इंट्रोडक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार कई बालक जब जन्म लेते हैं, मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जब बालक जन्म लेता है तो न तो वह सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक प्राणी, परंतु उस समय भी समाज में ही उसका समस्त आवश्यकताओं तथा उत्तरदायित्व को पूरा करता है। समाज के बिना मनुष्य का जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है। बालक की सबसे पहले है ना, बालकों यहाँ देख सकते हैं, बालकों को सबसे पहले सामाजिक पाठ पढ़ाया जाता है जिसे वे समाज की जटिलता को समझकर अनुकरण एवं पर्यवेक्षण कर समाज की एक सक्रिय सदस्य बन जाता है ना। समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, बिल्कुल है, सही है कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं जिनकी अपनी अपनी जो है कि मान्यताएं, परंपराएं, विशिष्ट विश्वास तथा संस्कृति उसके अनुरूप होता है। इसके अनुरूप जो है कि समाज में मानसिक समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके अनुरूप ही उसे समाजीकरण की प्रक्रिया जो संपन्न होती है, या हम कह सकते हैं कि समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करता हुआ सामाजिक आदतों, विश्वासों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं एवं अभिवृत्तियों को सीखता है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण की भावना को प्रेरित होता है। वे अपने आप को अपने परिवार, पड़ोस तथा अन्य सामाजिक वर्गों के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, जिसके समाज का वह एक श्रेष्ठ उपयोगी तथा उत्तरदायी सदस्य है ना, उत्तरदायी सदस्य बन जाए एवं ये सभी सामाजिक संस्थाएं और वर्ग सभी उसकी प्रशंसा करते रहे। ये समाजीकरण के इंट्रोडक्शन में इतना चीज आप लिख दीजिए। उसके बाद टॉपिक में आता है जिसके रिगार्डिंग ये अर्थ में भी चला गया, कुछ अर्थ में भी आ गया और कुछ परिभाषा जो है कि मनोवैज्ञानिक के नाम को दे करके लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि समाजीकरण की परिभाषा दे दें, उसके बाद डैश करके लिखें यहाँ पे कि कुछ विद्वान ने इस प्रकार की परिभाषा दिए हैं, द्वारा ने परिभाषा दी जिसमें है कि पहला जे एस रॉस साहब ने कहा है कि समाजीकरण सहकर्मियों में परस्पर अपनत्व की भावना को विकसित करता है तथा उनके कार्य क्षमता तथा साथ करने की इच्छा में वृद्धि करता है। कार्य क्षमता एवं साथ कार्य करने की क्षमता को जो इच्छा को है वृद्धि करता है। ये कहा गया किसके अनुसार, जे एस रॉस महोदय के अनुसार, समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में ये उन्होंने परिभाषा दी है। अगला जो परिभाषा दिए हैं इन्होंने वो है गास्किन व गास्किन, ये मनोवैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने जो परिभाषा दिए हैं इनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति ऐसे व्यवहारों, मूल्यों तथा दूसरों को अपने से अपेक्षा को सिखाता है, मतलब अपने से जो नीचे हैं उसको कुछ ना कुछ सिखाता है, जो समाज के
समाज में कुछ विशिष्ट भूमिकाएं निभाने में सहायक होती है। इसी को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो यहाँ पर इंग्लिश में कहा जाता है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल बॉन्ड्स द बिहेवियर्स द लेवल द वैल्यू एंड द एक्सेप्टेशन एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर दैट इनेबल हिम टू टेक अ पार्टिकुलर रोल इन सोसाइटी। ये इंग्लिश में कहा है उन्होंने, गास्किन व गास्किन ने कहा है कि सोशलाइजेशन इन द प्रोसेस सोशलाइजेशन इन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल बॉन्ड्स द बिहेवियर्स द वैल्यू एंड द एक्सेप्टेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर दैट इनेबल हिम टू टेक एन पार्टिकुलर रोल इन सोसाइटी। ये कहा है समाजीकरण की परिभाषा को लेकर के गास्किन व गास्किन ने। और दुखेर महोदय ने अनुसार उन्होंने कहा, दुखेर महोदय ने कहा कि शिक्षा युवा पीढ़ी की विधिवत जो है कि समाजीकरण है। यहाँ कहा गया एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ अ मेथोलॉजिकल सोशलाइजेशन ऑफ अ यंग जनरेशन। ये कहा गया है दुखेर महोदय के अनुसार। डॉक्टर एस एस माथुर ने कहा है, देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपने लिए निर्धारित भूमिका निभाना सीख जाता है सीखता है तथा उस भूमिका के लिए तत्पर होता है तो ये समाजीकरण कहलाता है। तो ये तीन चार मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसकी परिभाषा हो गई। अब है इसमें विशेषता। उपयुक्त परिभाषाओं से समाजीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं निकल के आती है। इसमें विशेषता क्या है समाजीकरण की, अगर किसी भी बच्चे का समाजीकरण हुआ रहता है तो हम कैसे जानेंगे कि इस बच्चे में समाजीकरण है, तो इस विशेषता के जरिए हम जान सकते हैं कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति की समाज समस्त मान्यताओं व्यवहारों एवं आदर्शों को सीखने में सहायक होती है। ये समाजीकरण कहलाता है, ये समाजीकरण का विशेषता है। समाजीकरण के बाद व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका एक योग्य सदस्य बन जाता है। बिल्कुल सही है, ये विशेषता है। इस प्रक्रिया अगला जो है कि इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज में अपने निर्धारित भूमिका निभा सकने योग्य क्षमता प्राप्त कर लेता है। डी में है कि समाजीकरण व्यक्तियों को परस्पर अंतःक्रिया इंटरेक्शन द्वारा संपर्क होता है ना। ये समाजीकरण की विशेषता होगी। चार्टों यहाँ देख सकते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें से सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टाइप से कुछ लाइन लिख देने होंगे। यहाँ पर समाजीकरण में सहायक कारकों के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न कारकों का उल्लेख किए हैं। यहाँ हम AN स्वरूप सक्सेना के द्वारा दिए गए कारकों का उल्लेख करेंगे। ये मनोवैज्ञानिक का नाम लिख दीजिए कि उन्होंने ये मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए जो टॉपिक है जो पॉइंट है उनको आप डिनोट कर रहे हैं। तो ये कारक है जो कि मनोवैज्ञानिक AR स्वरूप सक्सेना द्वारा दिए गए हैं। पहला है इसमें कि पालन पोषण चाइल्ड रियरिंग है ना, पालन पोषण। अब पालन पोषण बालक में जो है कि पालन पोषण तथा माता पिता व परिवार को बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। पालन पोषण किस बच्चे का किस तरीके से हुआ है और किस तरीके से हुआ जा रहा है तो वो बहुत ही इफेक्ट पड़ता है इससे। अब देख सकते हैं यहाँ पर बालक का उचित पालन पोषण नहीं हो सका तो बालक के अंदर समाज विरोधी आचरण का निर्माण हो सकता है जिससे वह समाज का सक्रिय एवं उपयोगी सदस्य नहीं बन पाएगा और जो सामाजिक और समाजीकरण का हनन हो कर करेगा। अतः जो है कि बालक बल्कि उसके उचित पालन पोषण होना समाजीकरण के अति आवश्यक है। ये आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा पॉइंट निकल के आता है सिंपैथी यानी सहानुभूति। सहानुभूति में आप देख सकते हैं बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस परिवार एवं समाज पर निर्भर रहता है परंतु यह समाज यह संभव नहीं कि उसकी सभी समस्या या आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सहानुभूति उसकी उचित आवश्यकताओं को जल्द पूरा कर देना चाहिए। सहानुभूति से बालक के अपनत्व की भावना का विकास होता है। बालक को संवेगात्मक विकास होता है तथा कॉम्प्लेक्स कुछ जो है कि विकसित नहीं हो पाती होने देता है। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो है बच्चे में जटिलता का जो है कि विकास नहीं हो पाता है सहानुभूति के जरिए सिंपैथी के जरिए है ना। तीसरा पॉइंट निकल के आता है इसमें कि सहकारिता। सहकारिता यानी कोऑपरेशन। बालक जब समाज के संपर्क में आता है तो समाज का समूह व्यक्तित्व के में रहकर जो है कि क्या करता है कि सहकारिता द्वारा सामाजिक बनता है। वह किसी कार्य में दूसरे से सहयोग पाता है तो खुद भी दूसरे को सहयोग देता है। ये
तीसरा पॉइंट निकल के आता है जो कि सहकारिता को डिफाइन करता है। चौथा पॉइंट निकल के आता है कि सलाह सजेशन, सजेशन किस प्रकार से देना चाहिए जो कि समाजीकरण का विकास हो, कि बालक समाज में रहकर समाज के विभिन्न कार्यों को करना सीख जाता है। अगर कोई कार्य नहीं कर पाता तो समाज में अन्य व्यक्तियों से सलाह लेकर वह कार्य कर लेता है। अनुभवी व्यक्तियों से सलाह अधिक प्रभावी होता है। देखिएगा बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे सलाह देते रहते हैं, फ्री एडवाइस मिलते रहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो हमारे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। अगला पॉइंट निकल के आएगा, देख सकते हैं कि तदात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन बालक में दूसरों की सहानुभूति प्राप्त कर उनसे तात्मिकरण की भावना विकसित होती है, जिससे जिसके कारण वे सामाजिक व्यवहार अपना लेते हैं, है ना। यह चौथा पॉइंट निकल के आएगा। छठा पॉइंट निकल के आएगा अनुकरण, इमिशन मतलब इमिटेशन। इमिटेशन में क्या होता है कि अनुकरण किस प्रकार से करना चाहिए। अनुकरण सामाजिक का प्रमुख आधार होता है। समाज में जो तो जितने भी चीज होते हैं सब तो अनुकरण के ही आधार पे होते हैं, कि बालक परिवार और समाज में दूसरों को देखकर उनके व्यवहार को अनुकरण करते हैं। उनके व्यवहार किस तरीके से है वही अनुकरण करते हैं बच्चे भी। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से समाजीकरण का विस्तार होता है। सातवां पॉइंट निकल के आता है इसमें कि सामाजिक शिक्षण, सोशल टीचिंग है ना। तो बालक परिवार पड़ोस मोहल्ला ग्राम नगर आदि के संपर्क में रहकर अनेक जो है सामाजिक कार्यों को सीखता है। यही बालक का समाज के द्वारा अनौपचारिक शिक्षण होता है। ये तो हो गए समाजीकरण के किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं उसको प्रभावित करने के लिए, समाजीकरण को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए। अगला जो पॉइंट निकल के आता है इसमें से समाजीकरण को प्रभावित करने वाले में से, तो है आठवां पॉइंट, वो है दंड एवं पुरस्कार। बालक को जो है दंड एवं पुरस्कार प्रशंसा समाज में मिलते रहे तो वो निश्चित तौर पर प्रोत्साहित होता है, क्योंकि उससे दंड और प्रोत्साहन जो है पुरस्कार जो है एक अर्थ समाज में मतलब एक प्रकार का कार्य विरोधी या कार्य के अनुरूप उसको प्रोत्साहित करने की जो क्षमता को बढ़ावा देने के लिए होता है। ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है बच्चों को, कि आप किसी समाज में हैं वो बच्चा उसमें आप उनको प्रोत्साहित करते हैं, दंड लेते हैं, दंड देते हैं, या कोई भी गलती करता है तो दंड देते हैं, और कोई भी अच्छा काम करता है तो उसे प्रोत्साहित करते हैं। तो ये इफेक्ट पड़ता है बच्चे के समाजीकरण पे। तो ये था वीडियो में, इस वीडियो में मैं बताया कि समाजीकरण किस तरीके से होता है बच्चे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाइए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।